शुभ संध्या तमाम बीपीएससी एपीएस एंड डब्ल्यूएमओ एस्पिरेंट्स का करियर सेपर पर स्वागत है। ये सेट नंबर 3 है जिसमें हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा की गई है। आइए एचडब्ल्यूएम से संबंधित भारतीय नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट एचडब्ल्यूएम, हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है, अधिसूचित किया गया है। ये नियम प्रदान करता है प्रोविजन फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ हजारडस वेस्ट जनरेटिंग एंड यूनिट्स यूजिंग हजारडस वेस्ट। हजारडस दो नंबर, हजारडस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए TSDF यानी ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना। तीसरा है प्रोविजन ऑन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ हजारडस वेस्ट बासेल कन्वेंशन के अंतर्गत। बासेल कन्वेंशन से क्या आशय है? बासेल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडस वेस्ट एट इट्स डिस्पोजल है। बासेल कन्वेंशन ट्रांसबाउंड्री हुआ मतलब कि बॉर्डरी के पार। अच्छा, भारत बासेल कन्वेंशन का एक क्या है, पक्षकार है यानी पार्टी है, ये चीज याद रखिएगा। हजारडस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, ये क्या है, इसका मेजर सेलिएंट फीचर्स क्या है? पहला देखें, अदर वेस्ट को भी शामिल किया गया है। ये जो रूल है 2016 का, तो इसमें अदर वेस्ट को भी शामिल किया गया है। दूसरा है ऑथोराइजेशन और रजिस्ट्रेशन के स्थान पर केवल वन परमिशन अर्थात ऑथोराइजेशन अंडर द रूल्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स हैंडलिंग द हजारडस एंड अदर वेस्ट। तो इसका कहने का मतलब है कि पहले ऑथोराइजेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए ये करना पड़ता था, ये रिक्वायरमेंट था, और अब उसको हटा के इस रूल में 2016 के रूल में उसको हटा के ओनली वन परमिशन को लाया गया है। तीन नंबर में है वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की बोलते हैं पद सोपान को, यानी एक के बाद दूसरा सीढ़ी दर सीढ़ी। तो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की में प्राथमिकता का क्रम कैसा होगा, कि पहले प्रिवेंशन होगा, उसके बाद मिनिमाइजेशन, फिर रीयूज, उसके बाद रिसाइकलिंग, उसके बाद रिकवरी और फिर को प्रोसेसिंग। ये एक हायरार्की है और प्रायोरिटी बेस्ड है। चार नंबर में है सेफ डिस्पोजल यानी सुरक्षित निस्तारण का के लिए नियम। पांच में है नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया यानी कि मुख्यधारा से जोड़ा गया है। कैसे? तो प्रक्रिया को सरल बनाकर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए विनियमित अपशिष्ट की सूची को रिवाइज कर। छठा है रीयूज के उद्देश्य से अपशिष्ट की पृथक अनुसूची बनाई गई है, जैसे मेटल स्क्रैप, पेपर वेस्ट व इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विभिन्न कोटियाँ, ये सब है अपशिष्ट जिसका अलग से शेड्यूल तैयार किया गया है। किस वास्ते? तो रीयूज के वास्ते, और इसके लिए मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, उससे एग्जेम्प्टेड है। सात नंबर, इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड अपशिष्ट की सूची को रिवाइज करते हुए
उसमें निम्नलिखित अपशिष्टों को शामिल किया गया है, यानी जो अपशिष्ट को इंपोर्ट किया जाता है उसमें कुछ प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो निषिद्ध है, उसको निषेध करके रखा गया है कि वो अपशिष्ट बाहर से इंडिया में नहीं आएगा, तो उसको भी रिवाइज़ किया जाता है वैसे लिस्ट को। और देखिए, रिवाइज़ करने के क्रम में कुछ वैसे अपशिष्ट को शामिल किया जाता है जिसका एंट्री नहीं है, जैसे देखिए वेस्ट एडिबल फैट्स, दूसरा है ऑयल्स ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल ओरिजिन, हाउस होल्ड वेस्ट, क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट, अदर केमिकल वेस्ट स्पेशली इन सॉल्वेंट फॉर्म, घोल के रूप में जो केमिकल वेस्ट आता है उसके बारे में कह रहा है। तो इस तरह से ये HWM के बारे में आप कुछ रूल्स को पढ़े जो 2008 में भी आया, 2016 में भी आया, अभी और आया होगा, फिर उसको रिवाइज़ किया गया होगा अभी तक में। तो ये सब रूल है, ये आपको पढ़ना चाहिए और ये एग्ज़ाम पर्पस से अच्छा है, इसी से प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार यह सेट संपन्न होता है, करियर से पर प्रयासरत है अधिकाधिक पाठ्य सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए। आप अब तक लाए गए वीडियो वाच करें और स्वयं में परफेक्शन लाएं। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।